बार कोई नए पहनेगा और मैं पिछले ईद वाले पहनूंगी। तो इसलिए मुझसे नाराज़ होकर फिर ये शुहेब भी नाराज़ होकर भाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वाज़, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वाज़, आप देख सकते हैं फातिमा ना अपने जितने भी अपने पुराने कपड़े थे ना वो सारे चाकर इसने बाहर फेंक दिए हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी है और रोने बैठ गई है और कहती है मुझे ना ईद पर नए कपड़े लेकर दो। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा समझाया मगर इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की और कपड़े चाह के सारे दीवार के बाहर फेंक दिए। तो मैं भी इसके साथ बाहर चली आई और मैंने इनसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। इससे कह रही हूँ कि आप चली जाएँ, अल्लाह ताला करम करेगा। अभी तो 10 दिन रह गए हैं ईद को, कोई ना कोई हमारी हेल्प भी ज़रूर कर देगा और मैं तुम्हें ईद के अच्छे नए कपड़े भी ला कर दे दूँगी। तो ये मान तो नहीं रही थी क्योंकि जो आप लोगों को तो पता है इनके अबू भी मजदूरी करने चले जाते हैं और हमारे घर के हालात भी इतने ज़्यादा ठीक नहीं हैं। तो इसीलिए मैं इसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। और शुहेब है वो भी, उन्हें भी क्योंकि अगर इनकी बात सुनी जाए तो वो भी सही है कि ये भी सही बात कर रही है। जो बड़े हैं बेटियाँ हैं वो तो मान जाती हैं, वो तो समझदार है, शुहेब भी समझदार है, उन्हें तो हमारे घर के हालात का पता भी है। और ये है ना, इसको मैं समझा रही थी, ये बच्ची है तो इसलिए इसकी बात सुनो तो सही लगती है। ये कहती है बस मुझे ईद के नए कपड़े चाहिए और बाकी सब पहनेंगे और मैं भी ईद के नए कपड़े पहनना चाहती हूँ। तो मैंने इनसे कहा अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह हमारी भी ईद अच्छी गुजरेगी और हमारे लिए भी ईद के कपड़े नए आ जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। तो अभी मैं इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं, उठो फातिमा और सारे अपने कपड़े भी उठाओ और तैयारी का टाइम भी होने वाला है तो चलते हैं, सालन वगैरह भी बनाते हैं। उठाओ ये सारे कपड़े, चलो। अभी माशाल्लाह से हमारे मसाले को तिलका भी लग चुका है। तो अभी हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा, अफ्तारी को भी आधा पौना घंटा रहता है। अभी मैं तवे पे रोटियां बना रही हूँ, कुछ तवे पे बना लेते हैं तो फिर नीचे तंदूरी भी गर्म हो जाती है तो कुछ नीचे भी लगा देती हूँ।
तो आधा घंटा रहता है अफ्तारी को भी, फिर पानी भी बनाएंगे और फिर सब फैमिली बैठकर अफ्तारी भी करेंगे। कुछ मैंने तवे पे रोटियाँ बना ली थी, अब तंदूरी भी गर्म हो चुकी है तो अब तंदूरी पे लगाऊंगी। अभी मैंने सालन भी बना के रख दिया है और रोटियां भी मैंने बना ली हैं, फिर इफ्तारी के लिए हम ठंडा पानी भी बनाएंगे। तो मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सबको सेहत दे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें भी शफा दे। थोड़ी परेशान तो थी क्योंकि फातिमा की वजह से वो ईद के कपड़े वगैरह उनके नहीं हैं, तो उनको मनाने की मैं कोशिश कर रही थी, वो वीडियो में भी थोड़ी सी देर आई तो फिर वो चली गई, बैठी भी नहीं मेरे साथ, तो उसको भी मना लूँगी, अल्लाह ताला करम करेगा ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। और मैं तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, सब के लिए दुआ करती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है और जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सबको सेहत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।